हम बात कर रहे हैं आज झुंझुनू जिला कलेक्टर द्वारा तैयार करवाए गए ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन तथा नवसर्जन प्रस्तावों पर, जिसके तहत इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चिड़ावा पंचायत समिति के बारे में। चिड़ावा पंचायत समिति में एक गांव को नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव है, तो वहीं 5 पंचायतें पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन के तहत प्रभावित हुई है। वहीं सूरजगढ़ पंचायत समिति की 2 पंचायतों को भी चिड़ावा पंचायत समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है। बदनगढ़ पंचायत के खुड़िया गाँव को नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें पटेल नगर, इस्माइल ढाणी, दरोगा और हरिपुरा गांव को शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें पटेल नगर तो बदनगढ़, हरिपुरा, बुडानिया तथा इस्माइलपुर तथा ढाणी दरोगा गांव शोपरा पंचायत के शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यानी ये गांव है वो शोपरा पंचायत के हैं। इसके अलावा नरड़ पंचायत के सुल्ताना काबाज गांव को शोपरा पंचायत में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके बाद नरड़ अकेले अपने गांव की पंचायत हो जाएगी। वहीं दत्तरवाला पंचायत में से घुमनसर खुर्द को बुडानिया पंचायत में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसके बाद धतरवाला में धतरवाला के अलावा गोविंदपुरा, जाखड़ा, कुतुबपुरा और चक आलमपुरा ज्योंकेतों में रह जाएंगे। इसके अलावा बदनगढ़ के स्वरूप को छोटा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया, इसमें से खुड़िया को तो नई पंचायत बनाया जा ही रहा है, वहीं पटेल नगर को भी खुड़िया के साथ ही अलग किया जा रहा है। इसके बाद बदनगढ़ में केवल बदनगढ़ के अलावा चैनपुरा, गोवली व आलमपुरा रह जाएंगे। बुडानिया पंचायत में से एक गाँव हटाया तो एक बढ़ाया जा रहा है। हरिपुरा को नई पंचायत खुड़िया के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वहीं घुमनसर खुर्द को धतरवाला पंचायत से बुडानिया में जोड़ा जा रहा है। वहीं बुडानिया और ढाणी मेघ सागर ज्यों के त्यों बुडानिया पंचायत में ही रहेंगे। श्योपुरा पंचायत से 2 गांव हटाए जा रहे हैं तो एक जोड़ा जा रहा है। श्योपुरा से इस्माइलपुर और ढाणी दरोगा को नई पंचायत खुड़िया में जोड़ा जा रहा है, तो वहीं सुल्ताना काबाज को नरड़ से श्योपुरा में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद श्योपुरा और भोमपुरा और शेखपुरा ज्यों के त्यों श्योपुरा में रहेंगे। इसके अलावा चिड़ावा पंचायत समिति में सूरजगढ़ पंचायत समिति की 2 पंचायतों अड़ूका और डालमे की ढाणी को भी शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके बाद चिड़ावा पंचायत समिति में पंचायतों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो जाएगी, क्योंकि खुड़िया नई पंचायत होगी तो अड़ुका और डालमे की ढाणी सूरजगढ़ से चिड़ावा में शामिल होंगी। हम आपको बताना चाहेंगे ये केवल प्रस्ताव तैयार किए गए, इन प्रस्तावों पर किसी को आपत्ति है तो वे 29 अगस्त तक जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के यहां पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।